अक्सर से आपके बीच आए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव है, 19 तारीख है और साइकिल का हमारा निशान है। ये जो चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है आपके हमारे सभी के लिए, क्योंकि हमारे जो रोज़मर्रा की दिनचर्या है, ये जो नीतियां सरकार बनाती है, इनका असर हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी पर पड़ता है। और जब हम परेशान होते हैं तब हम यही सोचते हैं कि किस तरीके से बदलाव लाएं, और बदलाव का तरीका एक ही है, वोट का जरिया है। तो आपका वोट है, ये बहुमूल्य वोट है, कीमती वोट है, इसकी कदर को समझिए और इसका इस्तेमाल ऐसी जगह कीजिए जहाँ से आपको इसका लाभ मिल सके। ये जो सरकार है ये आपका हमारा हित नहीं चाहती, ये ना किसानों की है, न मजदूरों की है, न हमारे युवाओं की है। पहले हमारे युवा भाई जैसा कन्यान के बारे में सभी बता रहे हैं, लोग यहाँ पर दौड़ लगाते थे, भर्ती के लिए तैयारी करते थे, लेकिन अब वो अग्निवीर लाकर उसमें भी सबको मायूसी दे दी। कोई और भर्ती निकलती है, वैकेंसी आती है, तो उससे पहले ही पेपर लीक हो जाता है। तो ये किसी का भला नहीं चाहते और उसके फॉर्म भरवाने में इन्होंने कई अरबों करोड़ रुपए कमा लिए हैं। तो आप और हम इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, आज ये मौका है कि अपनी इन परेशानियों को हम याद रखते हुए अपने वोट के इस्तेमाल से अपना बदला ले सकें। जब हम गन्ने के भुगतान के लिए धरने देते हैं, जगह जगह पर कई कई बार धरने हुए, पेमेंट आपका है, आप अपनी फसल दे चुके हैं, लेकिन अपना ही पेमेंट लेने के लिए जब आपको धरनों पर बैठना पड़ता है, बहुत बड़ी रकमें नहीं है इन मिल वालों पे, सरकार चाहे तो आसानी से आपका हमारा भुगतान करा सकती है, लेकिन उनकी नीयत ही नहीं है। गरीब को और गरीब और अमीर को और अमीर करना चाहती है ये सरकार। उनके कुछ पूंजीपति साथी हैं, उन्हीं की जेब भरना चाहती है, उन्हें सारी सरकारी संस्थाएं बेचकर उन्हें दे रही है और दूसरे हाथ से उन्हीं से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दान ले रही है। तो ये सरकार की नीतियां हैं, आपके सामने हैं। जब कोई व्यवस्था इतनी खराब हो जाए तो उसमें सुधार लाने की ज़रूरत होती है, और सुधार का एक ही माध्यम है हमारे पास, बदलाव करके, अपने वोट के माध्यम से बदलाव करके। पहले ये जो हमारा ज़िला है, 22 में आप लोगों ने क्रांति करके दिखाई थी, यहाँ से भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया था, तब हमारा गठबंधन मजबूत था। आज हमारे गठबंधन से चौधरी साहब पता नहीं किस मजबूरी के तहत वहाँ चले गए हैं, मजबूरी ही है क्योंकि सम्मान वहाँ हमें देखने को नहीं मिल रहा। अभी परसों मेरठ की रैली में आपने देखा ही होगा, तो हम तो यही समझते हैं कि कुछ मजबूरी है, क्योंकि ये सरकार विपक्ष की आवाज़ों को दबाना चाहती है, चाहे किसी के यहाँ ईडी भेज के, किसी के यहाँ सीबीआई भेज के, किसी पे झूठे मुकदमे लगा के, तो ऐसा ही कुछ इनका प्रावधान रहा होगा, क्योंकि ये विपक्ष को बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है। विपक्ष खत्म हो गया तो लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा, फिर हर वर्ग की आवाज़ दब जाएगी, कोई किसी की आवाज़ उठाने वाला नहीं रहेगा। जैसा सरकार ने तय कर लिया वैसा हो गया। तो अगर इस स्थिति से आप और हम बचना चाहते हैं तो हमें विपक्ष को भी मजबूत करने की ज़रूरत है, हमें अपने आवाज़ उठाने वालों को वहाँ भेजने की ज़रूरत है। और पिछले 10 साल से डबल इंजन की सरकार आप और हम देख रहे हैं, जितना फ़ायदा हमारे सांसद जी जो हैं, मौजूदा सांसद जी, वो ऐसी ताकत के सांसद हैं, डबल इंजन की सरकार के सांसद हैं, कि जितनी बड़ी ताकत उनके पास थी, अगर वो उसका सही उपयोग करते तो हमारे इलाके का, हमारे क्षेत्र का बहुत विकास करा सकते थे, लेकिन उनकी इच्छा ही नहीं रही और 5 साल का डबल इंजन की सरकार का कार्यकाल वेस्ट हो गया। क्योंकि सरकारों का फायदा भी आप तक, हम तक वही पहुंचा सकता है जो हमारे बीच रहता हो और जिसे परवाह ही नहीं है, जिसे आपके वोट की कदर ही नहीं है, लेकिन गलती उनकी नहीं है, आपने उन्हें बिना मांगे वोट दिया था पिछली बार, 90% 2019 में आपने उन्हें वोट दिया था, तो गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। कोई भी चीज़ हम बिना मांगे किसी को देंगे तो उसकी कदर नहीं रहती, इसीलिए आज आपकी हमारी कोई कदर नहीं है,
इसीलिए हमारे डबल इंजन की सरकार का हमें लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि चाहते ही नहीं थे। तो मेरी आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि ये सारी बातें, आप लोग सब यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग हैं, इन बातों को ध्यान रखें। ये भेदभाव करेंगे, अभी झूठे वादे करेंगे, हमें बहलाने का काम करेंगे, लेकिन हमारा असल काम जिससे हमें आपको फायदा पहुंचे वो कभी नहीं करेंगे। तो इसलिए इस सरकार को 10 साल तो देख लिया, अब जरूरत है हमें कि हम बदलाव करें, किसी और को भी मौका दें। तो उसी के लिए आपके बीच में आए, मैं यहाँ से समाजवादी की प्रत्याशी हूँ। मेरे पिताजी आपके जनप्रतिनिधि रहे हैं, विधायक भी रहे, MP भी रहे, आप लोगों ने उन्हें बहुत प्यार और मान सम्मान दिया, और उन्होंने भी पूरे जी जान से सभी का काम करने का प्रयास रखा, और उनके मन में कभी कोई भेदभाव नहीं था, न उन्होंने कभी हमें ये सीख दी। वो हमेशा यही कहते थे कि नेता का कभी कोई धन नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, क्योंकि वो जब बन जाता है तो वो सबके लिए है, और उसका यही धर्म है कि वो सबका काम करे। तो इसी सोच को, उनकी सीख को मैं आगे ले जाना चाहती हूँ, और इसमें मुझे आपके सहयोग की, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है आने वाली 19 तारीख। मैं आपकी बेटी भी हूँ, तो इस बार आशीर्वाद आप मुझे दें, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि जितना प्यार और मान सम्मान आप मुझे दे रहे हैं ये मैं कभी नहीं भूलूंगी, और आपकी हर चुनौती पर खरी उतरने का पूरा प्रयास करूंगी।